फ्रेंड के पास, और जब भी मैं मुझे थोड़ी सी रिलैक्सेशन चाहिए होती है तो मैं लॉन्ग ड्राइव पे अकेला निकलता हूँ। और जैसे कि दिन के ये डिटॉक्स जूस है, कैरेट है, ऑरेंज है, ग्रैंड चैंपियन है, उसके बाद इसको 12 घंटे के बाद अगर ऐसी नाल जाती बावी तो आगे दूर हो जो ना मन तंग करो ऐ देखो साले अबू ऐ कर दुआ खोल के साथ। जी अस्सलाम वालेकुम, हम करते हैं अपना व्लॉग स्टार्ट। और मैं जा रहा हूँ आज आउट ऑफ सिटी भावल नगर अपने फ्रेंड के पास, और जब भी मैं मुझे थोड़ी सी रिलैक्सेशन चाहिए होती है तो मैं लॉन्ग ड्राइव पे अकेला निकलता हूँ। और जैसे कि दिन के अभी सुबह के 4:30 हो रहे हैं, तो लेट्स स्टार्ट। और जो जो रास्ते में हम नज़ारे सुकून देखते जाएंगे, मज़े देखते जाएंगे, वो मैं आप लोगों को साथ साथ दिखाता जाऊंगा। लेट्स स्टार्ट। चैलेंज मेरा नासा वालियां नू वीरो कोई ऐसा जहाज बनावो पलकां नू चमक दे आही पचावे पिंड राजपुर पाइयां मां मेरी दहता दियां मां मेरी दहता दियां नित पक्कियां चौपड़ियां खावा दिन टल दे नू दिन टल दे नू पिंड होवां तड़के उठ कैनेडा नू कम ते मैं आवां दिन टल दे नू पिंड होवां तड़के उठ कैनेडा नू कम ते मैं आवां। कुछ जगहों पे ना फोग है काफी ज्यादा, इसकी वजह से गाड़ी मैं थोड़ी स्पीड पे चला रहा हूं, ओ कम स्पीड पे चला रहा हूं। थैंक यू सर। हर खुशी मौके मेरे यारां दे मैं नाल हूं दुनिया रंगीन हो जू जिंदगी कमाल हूं हर खुशी मौके मेरे यारां दे मैं नाल हूं दुनिया रंगीन हो जू जिंदगी कमाल ओ यार हुंदे ने यारां दीयां पावां ओ नाल खड़दे ने वांग परावां दिन टलदे नू दिन टलदे नू पिंड होवां तड़के उठ कैनेडा नू कम ते मैं आवां दिन टलदे नू पिंड होवां तड़के उठ कैनेडा नू कम ते मैं आवां। इस जूस से और क्या नाम है इस जूस का, क्या क्या डालें इसके अंदर? कोई बंदा ये डिटॉक्स जूस है, कैरेट है, ऑरेंज है, और अरे भाई चुकंदर को क्या कहेंगे इंग्लिश में? चुकंदर को शुगर बीट के पता नहीं क्या कहते हैं, बीट कर बीट कर बीट कर। तो अली भाई इम्तिहान में पास हुए जी, किस चीज का बाइट ना करे हर चीज के पॉइंट जी। नहीं तो अभी इसका भाई इधर से आके देखने जरा फोन अच्छा है कि फुल बड़ा नहीं डेवलप किए हैं कोई बड़ा ये छोटे छोटे ये जो है ये पैरेट पिंक डेनिश पाइट ये भी पूरा हो जाए और वो बैठे टाइगर्स वो कलर है टाइगर कलर है केवल
ये टाइगर कलर। अच्छा इसको देख रहे हैं, ये स्विंगिंग नेक है, ये स्विंगिंग नेक है, इसकी गर्दन हिलती है। एक सेकंड, जिंदा भी है ये, देख रहे हैं देखा जाते सही। ये सारे अब एग शेक दिए बैठे हैं अपने उसमें। ये जी मस्जिद है, यहाँ नमाज पढ़ते हैं। वो जो लड़का खड़ा है, इसने हर एक बोरी को कुक करना है। इस टावर को कुकिंग टावर कहते हैं। इससे आगे जो है वो चैम्बर ड्रायर है, वो इसको सक करके ठीक कर देता है। हम बस नीचे से देख लेते हैं। असल में ये वेसल ज़्यादा ऊपर ना देखिएगा, आँख में न डालते। जब हम राइस मिल देखने जा रहे हैं, देखते हैं आगे क्या क्या। फर्स्ट टाइम के लिए ऊपर कुक किया जाएगा, जिससे ये चावल चावल बन जाएगा। ये और पार्टी जैसा इसके ऊपर वो देखिए लिखा हुआ है कितने पानी गर्म है। यहाँ से जैसल को पानी जा रहा है उन पंप से, और ये कन्वेयर के जरिए अब इससे निकल के आ रही है। इसके बाद जब ये ऊपर जाती है तो ये एक मिनट के लिए ऊपर बनता है, इसको कुक कर रहे हैं, स्टीम दे रहे हैं। वो देखें वो गर्म था, अब ये देखें इसमें से मॉइस्चर सक कर लिया उसने स्टीम में। अभी ये हार्ड हो गया, हार्ड हो गया ये वाला। अभी आगे इसमें चैम्बर भी ये चलेगा, उसके बाद ये आगे निकाल देते हैं। इधर वो जलेगा, हमने पूरा हो गया पहले मैं काम आता है 22 घंटे के बाद। फिर इसके बाद ये मिलिंग के लिए जाता है, आगे मिलिंग ख्याल से आइएगा। ये स्लिपरी होगा क्या? ये चावल की हम साथी आगे उसको वो क्रश करके बना रहे हैं। यहाँ से हस्त उतर रही है वो लोकल चीज होती है, और आगे से उसको पॉलिशिंग होती जा रही है, आगे ग्रेडिंग होगी। इस जगह पे सिर्फ ये निकाल रहे हैं, सिर्फ क्रशिंग कर रहे हैं। अब ये उतर रहा है आगे से, ये पाउडर इसका बाहर चला जाएगा। सर इसका बाय वेट ग्रेडिंग हो रही है, क्या भी क्या होता बाय वेट ग्रेड करते हैं वेट के हिसाब से। ये आगे नेक्स्ट ग्रेडर से लगे हुए, इन्होंने इनकी थिकनेस को ये इसका टिप है नक्कू।
ये इसका तक्कू है, यानी टिप टिप इसने निकाली है। और वहाँ पे वो है जी हथवाड़, ये इसका हाफ ग्रे, ये आधा दाना है इसका, इसको तो छोटा कर दें, हाफ ग्रेन हो गया, ये नक्कू हो गया। ये दो नंबर चावल, हाँ हाँ, ये इसकी सारी ग्रेडिंग हो रही है, ग्रेडेड कर रहे हैं। इसके बाद ये प्रोसेसिंग के लिए जाए, फॉर्टेक्स के लिए जाएगा, जो चावल असल चावल है वो फॉर्टेक्स में जाएगा। अब वो वाले साफ चावल से ये गंद निकल रहे हैं अभी मजीद, वो जो साफ था उसमें से ये मजीद गंद निकल रहा है। फ्रेंड का बेटा है, ये मुझसे बहुत प्यार करता है। क्या नाम है जी? ये पंजाबी बोलो तो अच्छी बोलता है, बोले जरा। आपके बाबा आपको टाइम देते हैं? नहीं नहीं, सही तरह बोले ना। नहीं नहीं, नहीं उनको क्या करते हैं? क्या करते हैं? चौबीस घंटे मोबाइल से लगे रहते हैं। खाना पुना खाते हैं आपके साथ? खाते हैं। पंजाबी में बोलना, मैं आपके साथ जितनी मुझे पंजाबी आती मैं भी बोलता हूँ। थाडे अब्बा जी थाडे ना क्रिकेट खेलते हैं? नहीं खेलते। सही तरह बोलने जैसे पहले बोल, नहीं खेलते। पूरा बोल जैसे पहले बोल रहे थे, नहीं खेलते। पूरा पूरा कि टाइम नहीं देना चाहिए था बच्चे नु बाला नु, कैसे क्या बोलो ना। मेरे अब्बू ना अरे चौबीस घंटे मोबाइल ते रहते हैं, वो ना चौबीस घंटे मोबाइल ते रहते हैं, जी। और हम निकल पड़े अपनी डेस्टिनेशन पे, तो बड़ा अच्छा रहा हमारा आज का, और काफ़ी इन्जॉय किया हमने अली भाई के साथ। तो मैं आपको वापसी का रास्ता भी दिखाता जाऊंगा, और इसके साथ ही हमें दिए इजाज़त, और डू सब्सक्राइब और शेयर लाजमी करें अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है। अल्लाह हाफिज़।